परंतु इससे भी आश्चर्य की बात आज हम आपको बताने वाले हैं और इस घटना का मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि यह मेरी आंखों के सामने की घटना है। अब आप इस वीडियो को गौर से देखना। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि यह मेरी खुद की बनाई हुई वीडियो है और इसमें कोई कांट छांट नहीं है। यह सिर्फ अपराध कमाना है और यह केवल दिखावा है, नौटंकी है, ड्रामा है, ढकोसलाबाजी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और हम धर्म की आवाज़ चैनल के माध्यम से सनातन धर्म में फैल रहे पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ निर्भीकता से आवाज़ उठाते हैं और जो सच है उसको आपके सामने रखते हैं। आज का जो विषय है वो है श्री लड्डू गोपाल जी। हर वैष्णव के घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा होती है। कोई लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा मानता है, कोई सखा मानता है, कोई पति मानता है, कोई भाई या मित्र मानता है। भक्तों के अलग अलग भाव हैं और ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, परंतु भाव यदि कुभाव में बदल जाए, मनमुखी आचरण में बदल जाए, पाखंड में बदल जाए, तब क्या होगा? आप देखते हैं लोग डलियों में लेकर के लड्डू गोपाल जी को हांडते फिरते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि वृंदावन के बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए एक भक्त ने लड्डू गोपाल जी के प्रति ऐसा भाव दिखाया कि बिहारी जी के मंदिर के बाहर बने जूता घर में लड्डू गोपाल जी को रख दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। एक कोई तथाकथित महिला कथा प्रवक्ता है जिसने अपने गले की माला ही कथा मंच पर लड्डू गोपाल जी को पहना दी। भगवान की प्रसादी माला तो हर कोई पहनना चाहता है, मंदिरों में भीड़ लगी रहती है कि भगवान की प्रसादी माला हमको मिल जाए, लेकिन यह कथावाचिका अपनी ही प्रसादी माला उल्टा भगवान को पहना रही है। परंतु इससे भी आश्चर्य की बात आज हम आपको बताने वाले हैं और इस घटना का मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि यह मेरी आंखों के सामने की घटना है। मैंने स्वयं इसका वीडियो बनाया है, किसी की सुनी या कहीं नहीं बोल रहा हूं। और जहां यह घटना हुई वह वृंदावन और छठीगरा रोड पर एक नामी रेस्टोरेंट है, वहां का वीडियो है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह वाकया मेरे साथ दो बार हुआ, परंतु पहली बार जब मैंने यह देखा था तो मैं उस मूवमेंट का वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि वह दृश्य देख करके मैं स्तब्ध रह गया था। बाद में मुझको याद आया कि इसका वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन कुछ दिन पश्चात फिर मुझको वह आदमी उसी रेस्टोरेंट में दिखा। वेशभूषा से वह बाबा टाइप का लग रहा था। आप खुद देख करके समझ जाएंगे कि यह कौन है। यह वीडियो मैंने ऊपर के मंजिल से बनाया था, क्योंकि मैं ऊपर बैठा हुआ था और यह व्यक्ति नीचे आकर के बैठा, तभी मेरी नज़र इस पर पड़ी। यह व्यक्ति जो आपको नीचे बैठा हुआ दिख रहा है, जिसके बड़े बड़े बाल हैं, इसके साइड में टेबल पर टिश्यू पेपर पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और साथ में कोई वेटर है जिससे ये बात कर रहा है। अब आप इस वीडियो को गौर से देखना। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि यह मेरी खुद की बनाई हुई वीडियो है और इसमें कोई कांट छांट नहीं है। मेरे साथ एक दिल्ली के सज्जन बैठे हुए थे जिनको मैं वीडियो बनाते हुए यह बता रहा हूं। आप ऑडियो सुन सकते हैं, आप पहले वीडियो देखिए। ये देखो तो क्या कर रहा है। ये देखो अब ये फिर खाएगा। ये खाया अभी झुमका दिया ना इसने, छोड़ने वाला था, फिर खिलाया इसको। दोबारा खिलाया देख मेरे हिसाब से नहीं खिलाया। तो फिर इस जैसा अदम नहीं है। और ये देखा, ये भगवान हो गया यार। अभी सोचा हूँ कि देखो इसको ऊपर डालूंगा ना, पहले डाल के तो हमने वीडियो इसी की वीडियो बना दी। अच्छा, फिर ये बैठा मिल गया मुझे आज। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, क्या इन महाशय की भक्ति इतनी प्रबल है जो भगवान को झूठा खिला रहे हैं, वो भी रेस्टोरेंट में? शर्म आनी चाहिए जो भगवान को भी मजाक बना रखा है। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही था कि आप ऐसा अपराध कतई ना करें। गोपाल जी को लेकर हांडना और यह सब दिखावा करना गलत है। आप सभी से निवेदन है कि बिना जाने बिना समझे किसी की देखा देखी ना करें। अच्छे संतों, विद्वानों, ब्राह्मणों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करें, जिससे कि आप ऐसे जघन्य अपराध से बच सकें। यह भक्ति नहीं है, यह सिर्फ अपराध कमाना है और यह केवल दिखावा है, नौटंकी है, ड्रामा है, ढकोसलाबाजी है।
तो दोस्तों इस विषय में आपका क्या कहना है वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो। सनातन धर्म से संबंधित वीडियो देखने के लिए धर्म की आवाज चैनल को लाइक फॉलो करें और सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब।